गाइस कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक किसके बारे में है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। आज का टॉपिक है हाउ टू रिमूव परफेक्ट बैकग्राउंड। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि परफेक्ट बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें। तो आइए पहले पिक्चर ओपन कर लेते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगले ऐसी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ओपन कर लेते हैं पिक्चर, वेट कर दे तब तक। तो हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके क्लिक कर लेते हैं, हम फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो दानिश भाई की फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने फोटो सिलेक्ट कर ली है दानिश भाई की। फोटो सिलेक्ट करने के बाद कटआउट वाले ऑप्शन पर जाइए और सिंपली इधर ड्रॉ करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से कर लीजिए, फ्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो ये देखो, और जो बाकी है उसको हम ब्रश से सिलेक्ट करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ये रिमूव कर देंगे हम जो ये वाला पार्ट है उसको। तो सिंपल इसे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी रिमूव कर लेना इसको, बहुत सिंपल है ये। फिर आप भी परफेक्ट बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और भी दो तीन ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको बैकग्राउंड इरेजर के बारे में। और जो सिलेक्ट नहीं हुआ है उसको सिंपली ब्रश से सिलेक्ट करके आप उधर ड्रा कर लीजिए। तो मैं कर लेता हूँ। बाद में ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन में जाकर सिंपल इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक कर दीजिए और फिर ये सेव हो जाएगा जैसे आप पिक्सार में। और फिर ड्रॉ टूल में जाइए और सिंपल ये नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और लेयर ऑप्शन जब ऑप्शन पे जाकर ये फोटो पर क्लिक कीजिए और सिंपल इधर से इरेज करना है, ये मैनुअल इरेज करना है सब कुछ अपने हाथों से। तो आप थोड़ा टाइम इरेज करने में दीजिएगा और परफेक्ट इरेज कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो इसको सेव कर लेते हैं। अभी तीसरा तरीका है बैकग्राउंड इरेज़ वाला, ये जो ऑप्शन है ये वाला जो ऑप्शन, अरे लोड फोटो पर क्लिक कीजिए और फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम कर लेते हैं सिलेक्ट। वो भी फोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
और फिर इधर क्रॉप करने का ऑप्शन आएगा, उस पर आप उसमें आप क्रॉप कर सकते हो। तो मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ, फिर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और फिर ये जो एक्स्ट्रैक है फर्स्ट वाला ऑप्शन उस पर क्लिक कीजिए और ये ऊपर ऑप्शन है कीप ब्लू कलर का आइकॉन है जो वो वाला, उसमें आप अपने मॉडल को सिलेक्ट कीजिए ऐसे करके। सिंपल ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर रिमूव वाले ऑप्शन पर जाके जो आपको रिमूव करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिंपली बहुत ही आसान तरीका है, जो आपको रिमूव करना है उधर आपको सिलेक्ट करना है इससे रेड वाली लाइन से, और फिर बाद में ये जो ऐसा हो जाता है उसको आप मैनुअल में जाके या रिपेयर में चले जाइए और एग्जिट एक्स्ट्रा मोड पे क्लिक कीजिए और रिपेयर वाले ऑप्शन पर जाके ऐसे रिपेयर भी कर सकते हो। ये देखिए हो रहा है, ये परफेक्ट देख सकते हो आप। देखिए हो रहा है, ऐसे आप इरेज कर सकते हो इसमें भी। फिर मैजिक वाले ऑप्शन में जाके आप ऐसे सिंपल से अपने आप वो रिमूव करेगा, आपको ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देख सकते हो आप अपने आप वो सिलेक्ट कर रहा है बैकग्राउंड को। सिंपल ये रिपेयर वाले ऑप्शन पे जाकर उसको रिपेयर कर दीजिए। फिर आपको इधर से डन कर लेना है। डन करने के बाद ये स्मूथ का भी ऑप्शन आएगा, ये इधर से आप स्मूथ कर सकते हो फोटो को, देख सकते हो आप। देखो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है इससे। इस पर आप 3 नंबर या 4 नंबर चूज़ कीजिएगा और फिर ऊपर सेव वाला ऑप्शन पर जाके सेव कर दीजिएगा सिंपली। और हम देख लेते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको जो मैंने इरेज किया है।